My belief is none of those children are orphans because you stand with them as does the Prime Minister of India. So as much as we are grateful to the Prime Minister for his leadership, we are also grateful to citizens such as yourself who have ensured that while we have pronounced that PM cares, you denote, Yasin, that the nation also cares for such children. So thank you for your resilience and thank you for your service. ये सभागार आज शुरोबित हो रहा है इस वक्तव्य से that it's 8 years of achievement. And there are many amongst us who spoke about what that achievement quantifies. But for me, when you see that word achievement, that achievement is that Santosh Ji, Akshay, Yasin can all come together and give one message. That when it comes to emancipation of women and children, men are equal partners in that emancipation as are women of our country. That when we talk about child rights, we talk about the rights of not only the girl child, but also the male child. And today, these three gentlemen have become exemplary examples of the same. Is manch se aaj, chahe UNICEF ho ya mera vibhag ho, humne विस्तृत रूप से महिलाओं और बच्चों के उत्थान के बारे में चर्चा की. हमारे राष्ट्र में शायद ही कभी कोई कानून ऐसा रहा हो जिसने इतनी बारीकी से इस बात पर चिंतन किया कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बनाने से पहले किन-किन गतिविधियों को करना जरूरी है. हिंदुस्तान ने एक वक्त ऐसा देखा कि अगर किसी को एप्लीकेशन देनी होती तो एप्लीकेशन देने के बाद अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो डीम्ड माना जाता कि ठीक है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन खोल सकता है. और सबसे ज्यादा जघन्य अपराध की रिपोर्ट्स उन इंस्टीट्यूशन से आई जिनके संदर्भ में कभी इस बात की चेकिंग नहीं हुई कि इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है. और इसीलिए सर्वसम्मति से संसद की ओर कोई देखे तो इस बात का विश्वास नहीं करेगा कि सरकार और विपक्ष एक स्वर में बोल सकते हैं, लेकिन अगर 8 साल की अचीवमेंट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो ये कि जेजे एक्ट में संशोधन जब किया गया तब सरकार के पक्ष का विपक्ष ने भी समर्थन दिया और कहा कि लेट्स इंश्योर दैट इफ यू हैव टू ओपन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन द जिला मैजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव टू चेक द इंसिडेंट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल्स हु वांट to set up a child care institution and only then can a child care institution be set up. Baat kisi ko samanya se lagti hogi. It is extremely officious in nature. Lekin us ek kadam se ki jo child care institution sthapit kar raha hai kahin uska to aisa koi itihas nahi bacche ko soshit karne ka. ये आपको बताता है कि प्रदेश सरकार और जिला स्तर पर प्रशासन के समन्वय की कितनी बड़ी एक श्रृंखला निर्धारित की है कानून ने. तो आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हो रहे हैं कई महिलाओं और बच्चों को सुनने के लिए, तो मेरा आग्रह है कि हम अचीवमेंट को जब परिभाषित करें तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड डिफाइन आवर वेरी अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नेंस, और उसका आज एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब हमको इस सभागार में दिखा. आज बच्चों से संबंधित हमारे विभाग के एक अफसर पल्लवी जी ने कई उदाहरण यहां पर दिए. एक बच्ची आई जिसने टीचर बनने का सपना अपना मंच से घोषित किया. माता पिता को वो कोविड के दौरान खो चुकी है. और पांडे जी जो मेरे सचिव हैं, मंच पर बच्ची के हाथ में माइक है. नॉर्मली पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है कि माइक के आसपास कुछ ऐसा नहीं बोलते ताकि मीडिया की अगले दिन की हेडलाइन ना बन जाए. लेकिन जैसे ही यहां पर उस बिटिया ने कहा कि मेरे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, तो पांडे जी का पहला प्रश्न, माइक चल रहा था तो ये था, दोनों भाई बहन को भी मिला ना, कोई छूट गया है क्या?
इसका मतलब लक्ष्य सरकार का ये, चाहे पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट, कि जिसको न्याय की अपेक्षा है, जिसको सहयोग की दरकार है, उस तक सहयोग पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी पुष्टि करना, और नहीं पहुंचा तो अपनी त्रुटि को स्वीकार कर अपनी गलती को करेक्ट करना. That is the approach with which Government of India and state governments have worked together under 8 years of leadership of the Honorable Prime Minister. लेकिन ये 8 साल अचीवमेंट्स के, मात्र महिला और बाल विकास मंत्रालय के अचीवमेंट्स का उल्लेख करने का कार्यक्रम नहीं है. We need to look at issues of women and children holistically from a whole of government approach. और इसीलिए आज जब राणे साहब यहां बैठे हैं, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा था जब राणे साहब ने मुझे दिल्ली फोन कर कहा कि स्मृति जी तुरंत आप अगर गोवा आ सकें, क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से सैनिटरी पैड दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं. मैंने राणे साहब को कहा कि मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम नहीं करती क्योंकि मैं रूरल डेवलपमेंट मंत्री नहीं हूं. फिर मैंने कहा राणे साहब सैनिटरी नैपकिन भी हेल्थ में आता है, तो विश्वजीत जी ने कहा महिला है, भारत सरकार में है, मेरे लिए वही पर्याप्त है क्योंकि आपकी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच से काम करती है. आप अपनी सरकार की प्रतिनिधि बनकर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, और आज मुझे इस बात का गौरव है कि इस एक कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख बेनिफिशियरीज गोवा की सरकार जोड़ पाई है. अब ये नंबर कुछ लोगों को साधारण लगता हो एक मंत्री के मुख से, लेकिन डायल बैक 2014 से पहले, क्या कभी भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि, कभी प्रदेश का कोई पुरुष मंत्री सैनिटरी पैड के बारे में चर्चा करता था? थिंक अबाउट 2014 एंड बिफोर दैट. क्या कभी किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने लाल किले की प्राचीर से 1 रुपए का सैनिटरी पैड, हमारे देश का प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा बोल पाए? ये संभव जिस हिंदुस्तान में हुआ, उसी हिंदुस्तान के बारे में जब सचिव महोदय ने अपना उद्बोधन किया तो कहा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है दैट हमने वर्षों वर्ष तक बात की कि महिला का उत्थान करें, महिला को इमैन्सिपेट करें, महिला की मदद करें. प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि देश की मदद करनी है, देश का विकास करना है, देश का उत्थान करना है तो महिला से ही संभव है. इस थॉट के ट्रांजिशन का आज अभिनंदन है इस मंच से. और साल 2014 से पहले लोग महिला से कहते, अच्छा अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, ठीक है, घर में थोड़ा पैसा पड़ा होगा उससे कर लो. एक महिला बिजनेस प्लान बना के बैंक का फॉर्म भर के बैंक में जाकर लोन पाए, वो कभी सामाजिक चर्चा का विषय नहीं था. एंड लेट्स नॉट बी मिस्टेकन, मुद्रा योजना महिला की योजना नहीं है. मुद्रा योजना एक फाइनेंशियल योजना है जिसमें महिला हो या पुरुष, और महिला तो अपेक्षित भी नहीं थी कि इतनी संख्या में आए, वो जाए बैंक से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पाए और अपना व्यवसाय शुरू करे. मुद्रा योजना में 32 करोड़ लोन में से 70% लोन महिला का मिलना, ये इस बात का संकेत है कि भारत की महिला में क्षमता पहले से थी, साधन नहीं था. मुद्रा योजना साधन बना और वो महिला आज अपने परिवार का आर्थिक संचार कर रही है. द लेटेंट कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ इंडियन वुमेन वॉज अनलीस्ड ड्यू टू मुद्रा योजना. और जिनको ये गलत फहमी थी कि मुद्रा योजना मतलब कोई महिला अचार पापड़ बनाती होगी, आज उनसे कहना चाहती हूं कि आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि डिजिटल इंडिया की यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं. मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करने वाली 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हमारे देश में इन 8 वर्षों में अब समाज के सम्मुख उपस्थित हो पाई हैं. कुछ लोगों को ये भी गलत फहमी है कि साक्षरता मतलब एक अक्षर लिख दो, सिग्नेचर कर दो तो महिला साक्षर हो गई.
प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये है कि अगर आज की दुनिया में साक्षरता का कोई मतलब है तो उसमें डिजिटल लिटरेसी को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। पीएम साहब ने पीएम दिशा नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की डिजिटल लिटरेसी की, और आज मेरा ये गौरव है कहते हुए कि देश में 2,80,00,000 महिलाएं डिजिटली लिटरेट हैं। महिलाओं की इस उपलब्धि पर शायद ही लोगों की नजर है, शायद ही ये चर्चा का विषय बनता है। इसलिए ये भी कहना जरूरी है कि आज हमारी सरकार में 6 महिला यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सपोर्ट मिला ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटीज वो अपनी यूनिवर्सिटीज में डेवलप कर सकें। 30 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो महिलाओं के उत्थान को विशेष इस दृष्टि से देखती हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स की फील्ड में महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए जो लोग मात्र इस दृष्टि से सरकार की उपलब्धि को देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान के माध्यम से देश में 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज को सशक्त किया, उनसे कहना चाहती हूं सशक्तिकरण का ये दौर एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा। इसलिए आज हिंदुस्तान एक तरफ गौरव करता है कि 11 करोड़ महिलाओं को जीवन में पहली बार टॉयलेट मिला, लेकिन इस बात का भी गौरव करता है कि मार्स का जो मिशन रहा उसकी कर्ता धर्ता और नेतृत्व करने वाली देश की महिलाएं हैं। एंड दैट इज वाई टुडे इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that we not be myopic when it comes to achievement of women and children only from the perspective of the Ministry of Women and Child Development. वैसे गोवा ने आज हम सबको यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ा, उसके लिए गोवा सरकार का अभिनंदन और आभार करती हूं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।